ये भाई जी सुबह से लगे पकाने के लिए और अभी तक पकाई जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भाई बना रहे जी सैलड के लिए, मकरोनी होती है वो जो सुंडियों से होती है। दोस्तों ये मैंने जो ये भाई के पास बाइक है, नवीद भाई के पास, और ये वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट खड़े करना यार भाई। और दोस्तों ये जो बाइक है ना, ये मैंने सबसे अपनी ज़िंदगी में पहली बाइक ली थी सहराब की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज मौजूद हूँ जी अल खिजर में। तो आज हमारे पास ये बारात का इवेंट है, वो आपको सारा दिखाऊंगा। यानी कि वैसे मैं शेखपुरा में मौजूद हूँ, तो ये भाई खाना पका रहे हैं, इनके जो पापा जानी है वो खाना बना रहे हैं। सही है, तो अभी बारात का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बारात आएगी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो पैसे लूटने वाले लड़के होते हैं वो आए हुए हैं, उसको पंजाबी में कहते हैं लटेरे, और गाड़ी वगैरह ये आ गई हैं। और 3-4 आज इवेंट है जी इधर आज, तो ये है सारा डिस्प्ले का। तो तब तक वेट करते हैं, और वैसे आपको मैं दिखाता हूँ सारा हाल की लुक जो। तो दोस्तों ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं जो लुटेरे, अभी दूसरे हाल में जा रहे हैं कि बारात आके यानी कि उन्होंने लूटनी है। तो ये सारे दिखें, ये रक्षा के ऊपर आए हैं काफ़ी ज़्यादा। उतनी बारात नहीं होती जितने लुटेरे होते हैं, यानी कि ये लोग पैसे लूटने वाले होते हैं। तो दोस्तों ये भाई बना रहे जी सैलड के लिए, मकरोनी होती है वो जो सुंडियों से होती है, उसको उबार रहे हैं यानी कि ना। तो उसके बाद बनाएंगे सैलड मुकम्मल, आप वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा खाना माशाल्लाह पक रहा है आज। तो वो सामने खड़े हैं जी हमारे शकील भाई। तो अभी देखते हैं आपको, वैसे दिखाते हैं मुरब्बे वगैरह भी, वो सारे दिखा के फिर जाएंगे हॉल में, वो भी दिखाएंगे। और इस साइड पर देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बीप पक रहा है यार। इधर खड़े होने का मज़ा तो है, मगर ना धुआँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लकड़ियाँ जलाई हैं ना उन्होंने, इसलिए। तो अभी दिखाते हैं, ये पका है जी गाजरों का हलवा, यानी कि कमाल का भाई ने बनाया है, और उसके ऊपर डालने लगे हैं तेन पता है, माफी तो मिलनी नहीं तेन तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मकदार में खाना पक रहा है तकरीबन, मज़े सर्दियों में मज़े बाजी मज़े। और ये देखें तकरीबन 20-30 देखें तो होंगी यार, ये देखो वाला सिस्टम खत्म हो गया। ये तो बड़े बड़े पतीले हैं ना, पतीले यानी कि स्टीम वाले, इसको कहते हैं स्टीम करने वाले वो है। तो आज ये रशियन सैलड, और है साथ बड़ा गोश्त यानी कि बीफ, तो साथ है सब्ज़ चाय, सर्दी है आपको मज़े। तो ये भाई जी सुबह से लगे पकाने के लिए, और अभी तक पकाई जा रहे हैं। ये तो गल कह के पकाता दिखाया, बड़ा कमाल का बीफ है यार, तुम भी बड़ा प्यारे साथ। तो तकरीबन 200 तकरीबन एक घंटा लग जाएगा इसको पकने में। अभी पक रहा है, अभी आपको दिखाते हैं, जब पकेगा तो खाएंगे भी, फिर भी आपको दिखाएंगे। इधर खड़े होने के एक मजा।
दोस्तों ये मैंने जो ये भाई के पास बाइक है, नवीद भाई के पास, और ये वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट खड़े करना यार भाई। और दोस्तों ये जो बाइक है ना, ये मैंने सबसे अपनी ज़िंदगी में पहली बाइक ली थी सहराब की। तो अभी भाई ने इस चला चला के ये वाली हालत कर दी इस भाई ने। और सुना जी दोस्तों, खाना खा चुके हैं। खाना बहुत लजीज था, बीफ चावल और आइसक्रीम वगैरह थी, और ये देखें मुकम्मल और खाली हो चुका है। अभी लोग ही जाने लगे हैं। तो जी दोस्तों, फाइनली हो चुके हैं जी फारग। ये देखें सारे लोग गाड़ियों में बैठ चुके हैं। अभी सूरज है, तकरीबन 5 बज चुके हैं। वलीमे का तकरीबन 4-5 बजे फ्री हो चुके हैं। तो अभी उनसे मांगने जी पैसे लेके फिर हम जाएंगे घर। तो बैटरी चार्ज करेंगे, उसके बाद जाना है रात को मेहंदी के ऊपर, क्योंकि 2 दिन बाद है रमज़ान मुबारक का, यानी कि पहला रोज़ा होगा। तो इंशाल्लाह वो भी तकरीबन सारे रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी सुबहान मार की। तो आइए चलते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।